हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे की क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बेसिकली आप जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, उसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे, कुछ नई बातें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। सबसे पहली बात कि जो प्रैक्टिकल की डेट है स्टूडेंट, वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। हर एक स्कूल के पास इन डेट्स के बीच में कोई भी डेट आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को देकर ये अपना एग्जाम क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि 1 मार्च से 11 जून 2021 तक ही केवल आप ये प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। 11 जून के बाद किसी भी कंडीशन में कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, इवन किसी भी पॉइंट में। अभी आपको कई नई चीजें यहाँ पे इस बार देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं कोरोना की वजह से, तो वो उसकी रिलैक्सेशन काफी सीबीएसई ने दी है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात करते हैं, सेम पैटर्न रहेगा जो लास्ट ईयर था, यानी प्रैक्टिकल लेने के तुरंत बाद एग्जाम, जैसे ही प्रैक्टिकल आपका खत्म होता है तो उसके बाद तुरंत बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स को अपलोड करना पड़ेगा जो सीबीएसई लिंक प्रोवाइड करेगी ऐप उसके अंदर। उस ऐप की खासियत क्या है स्टूडेंट, जो ऐप सीबीएसई की है वो जियो टैग है, यानी कि आपको ये बात ध्यान देनी है कि आप जहां पे भी आपका प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइब है, सपोज करिए कि महेंद्रगढ़ में मैं हूं जैसे, तो मेरे प्रैक्टिकल के जो स्कूल है उसका लोकेशन उस ऐप में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट कहीं और पे हो, लोकेशन कुछ और हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा पेपर। इस बात को ध्यान दें, टाइम टैग टाइम भी फिक्स होगा, यानी ऐप के अंदर अपने आप टाइम मेंशन होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये प्रैक्टिकल हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। किसी भी टाइप का अगर डिफॉल्ट आता है स्टूडेंट किसी भी, तो 50,000 रुपीज स्कूल के ऊपर क्या है, फाइन है। 50,000 का फाइन स्कूल को भरना पड़ेगा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की प्रिंसिपल की होती है अगर किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत आती है तो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनल ग्रेड्स को भी इसी टाइम पीरियड के अंदर स्कूल को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा सीबीएसई के सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो ये बात मैंने आपको बता दी, 11 जून के बाद किसी भी टाइप की प्रैक्टिकल की एक्टिविटी अपलोड नहीं की जाएगी। एब्सेंट कैंडिडेट्स, यहाँ पे ये नया है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइम दिया है ऐसा, इस टाइप से पहले आज से पहले नहीं होता था कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी वजह से, और वो एग्जाम नहीं दे पा रहा प्रैक्टिकल का, तो उसका एग्जाम रिकंडक्ट हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रीजनल ऑफिस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसके लिए फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर फिर दोबारा रीअपॉइंट होगा। बट ये सारी बातें जो भी हैं, अगर दोबारा अगर किसी स्टूडेंट का जो एब्सेंट है स्टूडेंट, वो बाद में अगर उसका एग्जाम होता है, 11 जून ये लास्ट डेट है स्टूडेंट। सीबीएसई ने कहा कि 11 जून के बाद हम कोई भी किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, उससे पहले ही उस स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ेगा। कंपार्टमेंट के स्टूडेंट के एग्जाम इनके साथ नहीं हो सकते, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। लेबोरेटरी शुड बी सैनिटाइज, जो भी लेबोरेटरी होगी सैनिटाइज होनी चाहिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। जो वहां पे एग्जास्ट फैन है वो प्रॉपर वर्क करने चाहिए। प्रॉपर प्रोटोकॉल, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स है, मास्क हर एक स्टूडेंट ने पहना होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। केवल जब आप फोटो सेशन होगा, जिस टाइम आपका फोटो होगा स्टूडेंट, उस टाइम पे आप मास्क को हटा सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का फेस क्लियर दिखना चाहिए। बैच नंबर, टोटल बैच, डेट, टाइमिंग, ये सब कुछ लिंक में आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जो भी वहां पे जिसको भी सुपरवाइजर जो भी दिया होगा। ऑब्जर्वर सीबीएसई में बाहर से आएगा, जो ऑब्जर्व करेगा कि प्रैक्टिकल ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल सीबीएसई अलॉट करेगी, इंटरनल स्कूल हमेशा अलॉट करता है। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत ही शानदार और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब आपका वाइवा हो रहा है स्टूडेंट, तो आपका फेस और टीचर का फेस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दैट इज द कोविड प्रोटोकॉल, जो आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी मेरा, जैसे मेरा फेस इधर है तो स्टूडेंट का फेस भी इधर ही होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है। और पूरे यानी कि प्रिकॉशंस रखने हैं, प्रैक्टिकल करने से पहले हैंड वॉश करना है, प्रैक्टिकल के बाद भी, वाइवा भी जब एग्जाम ले रहा है, तो मैंने जैसे बताया कि क्या होगा, दोनों के फेस क्या होंगे, सेम साइड होंगे। तो
ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। कोई भी अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड दिक्कत होती है या आपको लगता है मुझे प्रैक्टिकल करने नहीं आते या किसी प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जब तक ये प्रैक्टिकल डेट जो आ रही है उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं उसका लाइव वीडियो आपको दे सकूं। और अगर कोई भी आपको लगता है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएं। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।